बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, इधर बैठो, कैमरे में देखो, इस तरफ बैठो, इस तरफ। बच्चों, आज हम जो यूनिट ले रहे हैं पढ़ने के लिए वो है डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, पिछली आप लोगों ने इससे पहले की यूनिट में पढ़ा होगा इंटरफेरेंस क्या होता है या व्यतिकरण क्या होता है। ठीक है, डिफ्रेक्शन का मतलब होता है कि जब कोई भी लाइट किसी ऑब्स्टिकल पे या किसी ऐसी चीज पे पड़ती है, या अपर्चर हम बोल दें, जिसकी साइज क्या होनी चाहिए, कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट, मतलब उसकी साइज किसके बराबर होनी चाहिए, लगभग लगभग जो आपने लाइट ली है, जो वेव ली है, उसकी तरंग है के लगभग बराबर होनी चाहिए, तभी वो लाइट क्या होती है, बैंड होती है उसके कॉर्नर से। ठीक है, और इसी चीज को हम क्या कहते हैं, बैंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम द कॉर्नर इज नोन एज अ डिफ्रेक्शन। अगर हम यहाँ पे ग्राफ पे देखें तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये एक सोर्स से लाइट आई, ये आपके पास अपर्चर हो गया, यहाँ से लाइट नॉर्मली क्या होना चाहिए था, सीधा सीधा यहाँ चले जाना चाहिए था, यहाँ पर भी सीधा सीधा जाना चाहिए था, और हमें यहाँ पर ही सिर्फ लाइट की कुछ इंटेंसिटी मिलनी चाहिए थी। पर हो क्या रहा है, ये कॉर्नर अगर आप देख रहे होंगे स्लिट का, तो यहाँ से लाइट क्या हो रही है, डिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, ऑब्स्टिकल से क्या हुआ, अपर्चर से क्या हुआ, वो डिफ्लेक्ट हुई, बैंड हुई, बैंड होने के कारण हमें यहाँ पर जहां पर शेडो रीजन मिलना चाहिए था वहां पर भी हमें क्या मिला, कुछ इंटेंसिटी मिली। तो ऐसी प्रोसेस व्हेन अ लाइट फॉल ऑन ऑब्स्टिकल ऑफ अ और अ स्मॉल अपर्चर हूज साइज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो साइज ऑफ अपर्चर है वो किसके बराबर होना चाहिए, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, कंपेरेबल होना चाहिए वेवलेंथ ऑफ लाइट, तभी आपका डिफ्रेक्शन हो सकता है, अदरवाइज डिफ्रेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इस ग्राफ में देख रहे हैं, इस चित्र में देख रहे हैं कि ये हमने एक स्लिट लगाई है, देखिए यहाँ से सोर्स कुछ रखा था और उससे वो लाइट आई, और लाइट आने के बाद होना क्या चाहिए था, सीधा सीधा चले जाना चाहिए था। ठीक है, पर ये कॉर्नर साइड से लाइट क्या हुई, सर्टन थीटा एंगल से क्या हुई, डिफ्लेक्ट हो गई। डिफ्लेक्ट होने के कारण हमें कुछ इस तरीके से पैटर्न मिला, ये मिला आपको सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है, यहाँ पर आपको सेकेंडरी मिनिमा और मैक्सिमा मिलता है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे देखिए, अगर हम डिफ्रेक्शन का जो पैटर्न हम देख रहे हैं, यहाँ पर जैसे मैंने आपसे कहा डिफ्रेक्शन में क्या होता है, सेंट्रल जो है उसका इंटेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। जैसे हम सेकेंडरी मैक्सिमा या मिनिमा की तरफ गए, आपको यहाँ पे ग्राफ में दिख रहा होगा इंटेंसिटी क्या होती जा रही है, तीव्रता क्या होती जा रही है, इसकी कम होती जा रही है। ठीक है, जबकि इंटरफेरेंस में हमने पढ़ा था कि जो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता था उसकी इंटेंसिटी कंस्ट्रक्टिव की एक जैसी होती थी, डिस्ट्रक्टिव की एक जैसी होती थी। ठीक है, अब अगर हम आगे देखें तो बेसिक डिफरेंस क्या होता है इंटरफेरेंस और डिफ्रेक्शन के बीच में, इंटरफेरेंस होता है सुपर इम्पोजिशन ऑफ सेपरेट वेव फ्रंट फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेस, मतलब दो कोहेरेंट सोर्सेस हमने बनाए, ठीक है, उसके जो वेव फ्रंट निकल रहा है उसके सुपर इम्पोजिशन के कारण जो पैटर्न बना उसे हम कहते हैं इंटरफेरेंस। जबकि डिफ्रेक्शन के अंदर क्या होता है, जो सेकेंडरी वेवलेट होता है उसके जो डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं, उस एक सिंगल वेव फ्रंट के जो डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स, उसके सुपर इम्पोजिशन के कारण क्या बनता है, डिफ्रेक्शन बनता है। ठीक है, दूसरी चीज इंटरफेरेंस आपने पढ़ा है, फ्रिंज विड्थ पढ़ी थी, फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला भी पढ़ा था हमने, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन टू डी। ठीक है, जहां पे लैम्डा आपके पास था वेवलेंथ ऑफ लाइट, डी था आपका स्लिट से स्क्रीन तक की डिस्टेंस, है ना, और तीसरी चीज थी आपके पास टू डी, मतलब सेपरेशन बिटवीन द टू स्लिट। हमने ये पढ़ा था इंटरफेरेंस के अंदर कि जो टू डी होना चाहिए वो स्मॉल होना चाहिए, कैपिटल डी जो होना चाहिए वो बड़ा होना, ज्यादा दूरी होना चाहिए, स्क्रीन की साइज बड़ी होनी चाहिए। वहां पे हमने निकाला था एक डेरिवेशन कि कंस्ट्रक्टिव हो या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, आपकी फ्रिंज विड्थ जो होती है वो सबके लिए एक जैसी थी। ठीक है, जबकि यहाँ पर डिफ्रेक्शन में क्या होता है, फ्रिंज विड्थ हमेशा क्या होती है, अनइक्वल होती है, एक जैसी फ्रिंज विड्थ नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, दूसरी चीज जितनी भी ब्राइट फ्रिंजेस है उनकी सबकी इंटेंसिटी एक जैसी थी इंटरफेरेंस में, और सबकी डार्क की इंटेंसिटी एक जैसी थी। ठीक है, जबकि डिफ्रेक्शन के अंदर अभी हमने पीछे देखा
इसकी इंटेंसिटी कैसे हो रही थी आपकी, आप यहाँ पे ग्राफ में देखें, ये इंटेंसिटी सेंट्रल मैक्सिमा की ज्यादा, ये फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर धीरे धीरे इंटेंसिटी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, ठीक है। तो डिफ्रैक्शन के अंदर जो है वो इंटेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। ये अगर हम देखें पैटर्न, जैसा मैंने आपसे कहा था सुपर इम्पोजिशन, एक वेव फ्रंट को हमने दो वेव फ्रंट में दिवाया, दो सोर्सेज बनाए हमने कोहेरेंट, और उनके सुपर इम्पोजिशन से आप ये देख रहे हैं ये पैटर्न बन रहा है आपका इंटरफेरेंस का, ठीक है। और यहाँ पर ये पैटर्न दिख रहा है आपको, ये बैंडिंग ऑफ लाइट हुई है स्लिट से, और ये मिल रहा है हमको डिफ्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप देख रहे हो डिफ्रैक्शन का पैटर्न, यहाँ पे इंटेंसिटी कम होती जा रही है एज वी मूव अवे फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा, और यहाँ पर इंटेंसिटी क्या थी आपके पास, कंस्ट्रक्टिव की एक जैसी, डिस्ट्रक्टिव की एक जैसी, क्लियर। अब हम देखें, जैसे आपने पढ़ा था पहले इंटरफेरेंस के चैप्टर में, इंटरफेरेंस होता था हमारा दो टाइप का, कौन कौन सा होता था नीमच, इंटरफेरेंस दो टाइप के कौन कौन से होते हैं, छिंदवाड़ा से कोई बताना चाहेगा, इंटरफेरेंस के दो टाइप होते हैं कौन कौन से होते हैं, खरगोन से, रतलाम से कोई बताना चाहेगा, इंटरफेरेंस हमने पढ़ा था दो टाइप के होते हैं, डिवीजन ऑफ एन एम्पलीट्यूड एंड डिवीजन ऑफ फेज, है ना, पढ़ा था फेज का डिवीजन, डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट एंड डिवीजन ऑफ एन एम्पलीट्यूड, डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट का एग्जांपल हमने पढ़ा था, याद नहीं है, चलो ठीक है ना, ये याद रखना है कि आपका इंटरफेरेंस क्या होते थे, दो टाइप के हमने पढ़े थे, डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट एंड डिवीजन ऑफ एन एम्पलीट्यूड, ठीक है। और यहाँ पर डिफ्रैक्शन कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपके पास फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, दूसरा होता है आपके पास फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन, कितने टाइप के, दो टाइप के, पहला टाइप हो गया आपके पास फ्रॉनहोफर, दूसरा हो गया फ्रेस्नेल। अब हम देखते हैं उनमें अंतर क्या है, ठीक है। तो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन जब हम लेते हैं तो फ्रॉनहोफर में जो सोर्स और स्क्रीन है उसका डिस्टेंस जो है डिफ्रैक्टिंग डिवाइस से वो क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। दूसरा प्लेन वेव फ्रंट हम यूज कर सकते हैं, प्लेन वेव फ्रंट कैसे लेंगे, सोर्स आया, सोर्स के आगे हम लेंस लगाए, कॉन्वेक्स लेंस लगाए, और उसके कारण जो हमें वेव फ्रंट मिलेगा वो प्लेन वेव फ्रंट मिलेगा, क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन के लिए हमें क्या चाहिए, पहली चीज द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द स्क्रीन फ्रॉम द डिफ्रैक्टिंग डिवाइस इट शुड बी इनफाइनाइट डिस्टेंस, ठीक है। दूसरा प्लेन वेव फ्रंट का यूज करेंगे हम, प्लेन वेव फ्रंट के लिए हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे। तीसरा हुआ डिफ्रैक्शन लाइट इज कलेक्टेड बाय अ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तीसरा आ गया आपके पास सेंटर ऑफ अ डिफ्रैक्शन पैटर्न इज ऑलवेज ब्राइट, जो सेंटर अपन ने डिफ्रैक्शन का भी डायग्राम देखा था हमने पीछे, है ना, उस पीछे के डायग्राम में अगर आप देखो तो यहाँ पर हमने ये बनाया था, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो डिफ्रैक्शन था सेंट्रल वाला क्या आया आपके पास, ब्राइट आया, ठीक है ना, क्लियर, ठीक है। अब सेंटर ऑफ अ डिफ्रैक्शन पैटर्न हमेशा क्या होगा, ब्राइट होगा। फिर हमारे पास उसका एग्जांपल अगर हम ले तो सिंगल स्लिट हम यूज करते हैं, डबल स्लिट यूज करते हैं, आपने सिंगल स्लिट यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट सुना होगा, ग्रेटिंग का इस्तेमाल किया होगा, ग्रेटिंग के प्रैक्टिकल भी कुछ किए होंगे, ठीक है। तो वहां पर हम फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन की अगर हम बात करें तो देखते हैं, ठीक है। दूसरा हुआ आपके पास फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन, फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन के अंदर सोर्स और स्क्रीन जो होती है उसका जो डिफ्रैक्टिंग डिवाइस है उससे डिस्टेंस कैसा होना चाहिए, फाइनाइट डिस्टेंस होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, द फाइनाइट डिस्टेंस शुड बी बिटवीन द सोर्स एंड स्क्रीन, ठीक है। सेकेंडली जो इंसिडेंट वेव फ्रंट है, ठीक है, जो सोर्स से आ रहा है वेव फ्रंट उसका वो क्या होता है, या तो सिलेंड्रिकल होता है या फिर क्या होता है, स्फेरिकल इन नेचर होता है, ठीक है, या तो सिलेंड्रिकल या स्फेरिकल इन नेचर, ठीक है। तीसरा पॉइंट आ गया इसके अंदर, जैसे हमने फ्रॉनहोफर में कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल किया था टू गेट द प्लेन वेव फ्रंट एज वेल एज टू कलेक्ट द डिफ्रैक्टिंग लाइट, यहाँ पर हम किसी भी लेंस का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट है यह जो सेंटर वाला पॉइंट होगा वो डार्क भी हो सकता है और ब्राइट भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आपने जो फ्रेस्नेल जोन प्लेट ली है, फ्रेस्नेल जोन्स कितने जोन्स बन रहे हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट होगा, क्लियर, ठीक है। तो फ्रॉनहोफर और फ्रेस्नेल में बेसिक अंतर क्या हुआ कि फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन के अंदर
सोर्स और स्क्रीन का जो डिस्टेंस है वो हमेशा इनफाइनाइट होगा, जबकि फ्रेजनल में वो डिस्टेंस क्या होगा, डिफ्रैक्टिंग डिवाइस से फाइनाइट होगा। फ्राउनहोफर में हम प्लेन वेव फ्रंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, फ्रेजनल डिफ्रैक्शन में हम यूज कर रहे हैं सिलेंड्रिकल या स्फेरिकल वेव फ्रंट का। ठीक है, तीसरा पॉइंट है कि वहां पर हम यूज करते हैं लेंस का फ्राउनहोफर में, जबकि हम फ्रेजनल में किसी भी लेंस का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। फ्राउनहोफर में आपका सेंटर जो होगा वो हमेशा क्या होगा, ब्राइट मिलेगा, जबकि फ्रेजनल में ब्राइट भी मिल सकता है, डार्क भी मिल सकता है, वो आपने जोन प्लेट फ्रेजनल जोन कितने हैं। ठीक है, यहाँ पर हम ले रहे हैं अब एक एग्जांपल कि फ्राउनहोफर डिफ्रेक्शन एट अ सिंगल स्लिट। हमने क्या यूज करा, एक सिंगल स्लिट यूज की है और उससे हम देख रहे हैं कि डिफ्रेक्शन पैटर्न कैसा दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम ग्राफ में देखें तो हमने एक एस सोर्स लिया। ठीक है, यहाँ पे जैसा मैंने फ्राउनहोफर में बताया आपको, प्लेन वेव फ्रंट के लिए हमने क्या यूज किया, कॉन्वेक्स लेंस का, ये लेंस का इस्तेमाल किया L1। ठीक है, यहाँ से लाइट सोर्स आया, ये प्लेन लाइट आई। ठीक है, अब यहाँ पे अगर ये नहीं बेंडिंग होती तो लाइट सीधे सीधे जानी चाहिए थी, ये एक लेंस लगा लिया हमने। ठीक है, सारी लाइट्स को एक जगह S1 पॉइंट पे हमारे पास आ गई। ठीक है, अब ये जो कॉर्नर से लाइट बेंड हो रही है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये हमारे P पॉइंट पे मिल रही है। ठीक है, यहाँ पे एक देखें, आप एक नॉर्मल ड्रॉ किया, ये एंगल थीटा हो गया, एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन। ठीक है, अब इसके अंदर इसको कैलकुलेट करने के लिए हमने यूज किया है एक तरीके से, यहाँ पर हमने एक सेंटर पॉइंट माना। ठीक है, और ये हम मान के चल रहे हैं कि जो हमारी स्लिट हमने कंसीडर की है वो छोटे छोटे, क्योंकि हमारा क्या हो रहा है, वेव फ्रंट आ रहा है और हर वेव फ्रंट में क्या होता है, छोटे छोटे से सोर्सेज होते हैं, तो हमने वो पॉइंट्स को मान के क्या करा, ये सेंटर पॉइंट हमने मान लिया और ये डिस्टेंस P1, P2, P3, P4 ऐसे करके हम जाएं तो NS पर कितना हो जाएगा, वो स्लिट को हमने माना, N छोटे छोटे पॉइंट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, तो कितना हो गया, PN हो गया। ये यहाँ से हमने एक ड्रॉ करा P1 पॉइंट से लाइन, यहाँ से OP से सेपरेशन है X, लेट अस सपोज मैंने एक परपेंडिकुलर यहाँ पर डिस्टेंस डाला। ठीक है, ये एंगल जो फॉर्मेशन हो रहा है वो डेल्टा है। इसी तरह से हम ये डिस्टेंस जो है O से लेके PN तक वी विल कंसीडर इट एज अ R। ठीक है, अब अगर हम N स्लिट इसके सॉल्व करना चाहते हैं तो हमें क्या करना है, इसके लिए इसको अब हम इसको सॉल्व करें तो हमें निकालना है P पॉइंट पर इंटेंसिटी कितनी होगी। ठीक है, जैसा हमने ग्राफ में देखा था यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पे P पॉइंट था, P पॉइंट के अंदर हमें यहाँ पर निकालनी है कि यहाँ पे इंटेंसिटी कैसी होगी। ठीक है, तो ये हमने इसको थोड़ा सा सेपरेट आउट किया कि हमने स्लिट को कंसिडर किया है एन नंबर ऑफ पॉइंट में और ये पॉइंट आपके पास PN हो गए। क्लियर? ठीक है, अब हम यहाँ पे निकाल रहे हैं कि PN की वैल्यूज कैसे निकली, इंटेंसिटी कैसी होगी। ठीक है, अब हमने ये कंसीडर किया था कि जो हमारा पहला वो था कि B से P डिस्टेंस, अगर आप डायग्राम में देखेंगे तो जो मैंने डायग्राम ड्रॉ करा था, तो B से P तक ट्रेवल करने के लिए अगर हमने डिस्टेंस माना है PM, विच इज मोर विच रिड्यूसेस टू A टू P, तो हम यहाँ पे अगर ग्राफ में देखें, पीछे वाले ग्राफ के अंदर, ठीक है, इस ग्राफ के अंदर आप देखें, इस ग्राफ में A से B ये हो गया, ये आपका ये है, तो एक्स्ट्रा पाथ ये वाला ट्रैवल हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि द वेव ट्रैवल फ्रॉम B टू P, द ट्रैवल डिस्टेंस इज BM विच इज मोर एज कम्पेयर टू द वेव रीचेस फ्रॉम A टू B, तो पाथ डिफरेंस कितना हो गया हमारे पास B से M तक का। ठीक है, और हमने पढ़ा है फेज डिफरेंस क्या होता है, अगर हम एक ट्रायंगल वो पीछे वाला कंसीडर कर ले तो उस ट्रायंगल से अगर हम देखें तो BMA, पीछे जाके देखें अगर हम BMA इज इक्वल टू साइन थीटा, यहाँ पे देखें आप ये वाला ट्रायंगल कंसीडर कर ले, ये वाले दिख रहे हैं आपको। ठीक है ना, इसको हम आगे सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो पार्ट डिफरेंस कितना हमने निकालना था, BM निकालना था। ठीक है, इन ट्राइंगल BMA अगर हम देखें तो सॉल्व करें, साइन थीटा इज इक्वल टू, तो आपके पास BM अपॉन AB आएगा। ठीक है, तो AB, BM इज इक्वल टू AB साइन थीटा, AB जो डिस्टेंस था स्लिट का वो हमने कितना कंसिडर करा, A। ठीक है, तो पार्ट डिफरेंस कितना हो गया आपके पास, A साइन थीटा। ठीक है, AB की जगह हमने A रखा,
और साइन थीटा। अब फेज डिफरेंस कितना होता है, हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, डेल्टा इज इक्वल टू 2π/λ इंटू पाथ, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस कितना निकला हमारे पास, a साइन थीटा। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या ड्राइव हो गई है, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2π/λ इंटू a साइन थीटा। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम उसी स्लेट के अंदर देखें, जैसा मैंने आपसे कहा सेकंड डायग्राम जो दिखाया था उसके अंदर, ए बी जो स्लेट है उसको हमने n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता हुआ माना, और ईच पार्ट जो है वो अपने आप में क्या होगा, सेकेंडरी वेवलेट की तरह काम करेगा। ठीक है, सेकेंडरी वेवलेट की जगह तब जरा काम करेगा, तो फेज डिफरेंस जो हम ऑब्टेन कर रहे हैं बिटवीन द पॉइंट बाय द टू कॉन्सिक्यूटिव पार्ट्स, ठीक है, दो कॉन्सिक्यूटिव पार्ट से जब हम फेज डिफरेंस निकाल रहे हैं तो वो कितना हो गया, डेल्टा इज इक्वल टू 2π a sin थीटा बाय n लैम्डा। ठीक है ना, n आपके पास क्योंकि अपन ने क्या कहा n इक्वल पार्ट्स में है, तो कितना हो गया आपके पास 2π/2π, ये रहा a sin थीटा, ये रहा n इक्वल पार्ट्स में था, तो कितना हो गया आपके पास n लैम्डा। ठीक, अब यहाँ पर अगर हम देखें जो पॉलीगॉन हमने बनाया था सी सेंटर से, ठीक है, उस पॉलीगॉन के अंदर मैंने एक बनाया था ओ से लेके पीएन तक का, वो ओ से पीएन तक का जो डिस्टेंस है, रिजल्टेंट वेक्टर है, उसका हमने मैग्नीट्यूड माना है आर थीटा। अगर आप देखोगे यहाँ पर, ठीक है, तो डायग्राम हमने पीछे देखा था, तो ज्योमेट्री से अगर हम निकालें तो ईच वेक्टर होगा ओपी वन, फिर दूसरा वेक्टर हो गया ओपी टू, फिर तीसरा वेक्टर हो गया ओपी थ्री, ऐसे करते अगर हम जाएंगे तो ओपी वन, फिर पी वन पी टू, पी वन P2, P3, P3, P4, ऐसे करके हम आगे तक जाए तो हमारे पास लास्ट में अगर हम देखेंगे तो सब्सिक्वेंट रिजल्टेंट वेक्टर जो बन रहा है वो होगा OPN, जो कि कितना होगा आपके पास n लैम्डा। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखें तो लेट CX हमने एक नॉर्मल ड्रॉ करा था, मैंने पीछे ग्राफ के अंदर अगर आप देखोगे तो नॉर्मल ड्रॉ करा गया था। ठीक है, तो उस नॉर्मल से अगर हम देखें, डिस्टेंस मैंने लिया है OP1 के लिए, एक नॉर्मल ड्रॉ करा C से, सी से एक नॉर्मल ड्रॉ किया ओपी वन के ऊपर, तो वो कितना था, एक्स पॉइंट बनाया था वहां पर। इसी तरह से हमने सी वाई बनाया है ओपी एन के लिए। अगर हम पीछे ग्राफ पे देखें तो यहाँ पर आप देखें ये बना है हमारे पास, ये ओपी वन के ऊपर ये नॉर्मल आपने ड्रॉ करा सी से एक्सन, ठीक है, इसी तरह से ओपी एन ये दिख रहा है आपको, ये हमने नॉर्मल ड्रॉ करा है सी वाई, क्लियर, ठीक है, ये डिस्टेंस ये आपके ओपी वन, ये पी वन पी टू, पी टू पी थ्री, इसी तरह से हम आगे जाएंगे, ये रिजल्टेंट जो है ओपीएन जिसे हमने आर थीटा कहा था, ये आपका एंगल है यहाँ से यहाँ तक का डेल्टा, तो ये पूरा हो जाएगा एन डेल्टा। ठीक है, ये हमने नॉर्मल ड्रॉ किया है ओपी वन के ऊपर, ये पॉइंट हो गया आपके पास, ये नॉर्मल ड्रॉ करा है सी एक्स। सिमिलरली ओपीएन के ऊपर हमने जो नॉर्मल ड्रॉ करा है वो है सी वाई। ठीक है, ठीक, तो ये दो इक्वेशन हमने निकाल ली थी यहाँ तक आगे। अब जैसा हमने कहा कि द सी एक्स इज द नॉर्मल ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट सी ऑन ओपी वन एंड सी वाई इज ऑन ओपी एन। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करें, एक ट्राइंगल जो आप देखेंगे डायग्राम में, तो डेल्टा सी एक्सओ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, ट्राइंगल ऑफ सी एक्सओ कितना हो जाएगा, ओ एक्स बाय ओ सी इज इक्वल टू साइन डेल्टा बाय टू। क्यों, क्योंकि आपने पूरा ट्राइंगल कितना लिया था, डेल्टा लिया था, तो आधा आपने ड्रॉ करा ओ सी, ओपी के ऊपर आपने जो नॉर्मल ड्रॉ किया, क्या ड्रॉ किया था, सी एक्स, तो एंगल कितने में डिवाइड हो गया, डेल्टा बाय टू में। तो ओ एक्स की वैल्यू अगर हम यहाँ से मल्टीप्लाई करके निकाल ले तो ओ एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये उधर मल्टीप्लाई हो गया ओ सी इंटू साइन ऑफ डेल्टा बाय टू। ठीक है, अब इसी को हम और सॉल्व करें यहाँ पर, तो यहाँ पर ओ एक्स जो आया था आपके पास कितना हो गया, आपके पास ओ एक्स इज इक्वल टू साइन डेल्टा बाय टू, ओ सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ओपी वन लिख सकते हैं हम, जिसकी वैल्यू a और a पूरा था, तो ये कितना हो जाएगा a बाय टू। ठीक है, ओपी वन इज इक्वल टू a, तो ये कितना हो जाएगा a बाय टू। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट अप कर रहे हैं ox की, ox की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास a बाय टू। ठीक है, ये oc, ये रहा आपके पास oc इंटू साइन डेल्टा बाय टू, ये हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड, वी हैव ड्राइव द इक्वेशन नंबर थर्ड। अब सिमिलरली हमने जो एक नॉर्मल ड्रॉ किया था, हमने किसके ऊपर ड्रॉ किया था, ठीक है, ओ डेल्टा सी ट्रायंगल ऑफ सी वाई ओ, वो कितना हो जाएगा ओ वाई बाय ओ सी अकॉर्डिंग टू द लॉ। ठीक है, साइन, अब साइन की वैल्यू निकाल ले रहे हैं, साइन ऑफ एन डेल्टा बाय टू।
क्यों? क्योंकि हमने पूरा एंगल कितना लिया था, एन डेल्टा, ठीक है, और हमने नॉर्मल ड्रॉ किया था किस पे, ओपी वन ओपी एन के ऊपर, कितना सी वाई। तो आपके पास ये पूरा ट्राइंगल हो गया सी वाई ओ, तो साइन थीटा निकाल लें हम, तो थीटा की जगह क्या है हमारे पास, एन लैम्डा बाय टू, और वैल्यू कितनी हो गई, ओ वाई बाय ओ सी, ठीक है। अगर हम देखें यहाँ तो ग्राफ के अंदर देखना शुरू करते हैं, इस ग्राफ के अंदर याद है ये था आपके पास, ये हो गया ये ओ सी, ये ट्राइंगल दिख रहा है आपको, ठीक है, एक ये कंसीडर करा था हमने और एक ये वाला कंसीडर करा था जिसके अंदर ये वाला पार्ट कंसीडर करा था, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमने सिमिलरली इस तरह से ओ वाई निकाल लिया है, यहाँ पर हम देखें तो ओ वाई इज इक्वल टू कितना हो गया, ओ सी इज इक्वल टू साइन एन डेल्टा बाय टू, तो ओ वाई इज इक्वल टू यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, तो ओ सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन एन डेल्टा बाय टू, ठीक है। अब सिमिलरली उसी तरह से हाफ ऑफ ओपी एन वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, दैट इज इक्वल टू ओपी एन कितना कहा था मैंने आपसे इनिशियली कहा था, डिस्टेंस बिटवीन ओ टू पी एन आई हैव कंसीडर्ड इट एज अ आर थीटा, ठीक है, तो ओपी एन की जगह क्या लिखते हैं हम, आर थीटा, क्लियर। आप इसको अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पर r थीटा बाय टू पीछे हम देखते हैं, ठीक है, ओ एन ये आपके पास हो गया कितना, हाफ ऑफ r थीटा, ठीक है, r बाय टू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वेशन में हम पुट अप कर दे तो ओ सी साइन ऑफ n डेल्टा बाय टू, ठीक है, क्लियर, ठीक। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, ओ सी या फिर वैल्यूज देखे हम पुट अप करके, ठीक है, इसका रेशियो ले लिया हमने, तो कितना हो जाएगा आपके पास, ये एक इक्वेशन थी आपके पास a बाय टू ओ सी साइन ऑफ n डेल्टा बाय टू, यहाँ पे ओ वाई की जगह हमने यहाँ पे इस इक्वेशन में रख दिया है आर थीटा बाय टू, ठीक है, क्लियर। यहाँ पर आप देखो यही चीज आ रही है आर थीटा बाय टू, इक्वेशन नंबर थर्ड और फोर्थ को डिवाइड करने पर हम देखें तो फोर्थ डिवाइडेड बाय थर्ड कितना हो जाएगा आपके पास, ये इक्वेशन नंबर थर्ड है आपके पास, ए बाय टू इज इक्वल टू कितना था, ओ सी इंटू साइन एन डेल्टा बाय टू, क्लियर। और ये इक्वेशन नंबर जो फोर्थ हमारी बनी थी वो इक्वेशन नंबर फोर्थ थी आर r theta by 2 is equal to OC sin of n lambda by 2. So we have divided the equation number 4 by 3. So agar aap dekhe r theta by 2 divided by a by 2 is equal to kitna ho jayega, OC sin oblique divided by OC sin of n delta by 2. Clear, OC se OC cancel out. Ye aapka cancel out. R theta is equal to a ye upar side chala jayega is equal to sin n delta by 2 divided by sin delta by 2. ठीक है। अब ये डेल्टा की जो वैल्यू है आप देखें यहाँ पर हमने डेल्टा इक्वेशन नंबर टू में निकाला हुआ है, ठीक है, अगर आप इक्वेशन नंबर टू पे आ जाएं तो आप इक्वेशन नंबर टू ये देखिए डेल्टा कितना था, टू पाई ए साइन थीटा बाय एन लैम्डा। तो अब इस इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा इन इक्वेशन नंबर टू, तो r थीटा यहाँ पे आपके पास ये जो डेल्टा दिख रहा है इसकी जगह में लिखा 2 पाई a साइन थीटा बाय n लैम्डा, ये ऑब्लिक बाय 2 ये है आपके पास, ठीक है, इज इक्वल टू ये चीज, ठीक है, इसको कैंसिल आउट हो जाएगा कुछ टर्म्स, तो आपके पास ये वाली टर्म्स बची, ठीक है। अब अगर मान लीजिए मैं मान लेती हूँ कि पाई बाय a, पाई a साइन थीटा बाय लैम्डा को मैंने कोई एक चीज पुट अप कर दी है p, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई a साइन थीटा बाय लैम्डा दिख रहा है आपको, इसकी जगह पे हम क्या लिख दें, p पाई a साइन थीटा बाय लैम्डा, इसको हमने क्या माना है, एक p मान लिया, एक कांस्टेंट, ठीक है। तो क्या हो गया आपके पास, इक्वेशन r थीटा a साइन p, ये आपके पास p हो जाएगा, ठीक है ना, ये आपका p दिख रहा है, ऑब्लिक साइन ऑफ p बाय n, यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर लें, अगर हमारे पास n की वैल्यू काफी लार्ज है तो क्या होगा, जैसे हम पढ़ते थे साइन थीटा, अगर एन की वैल्यू लार्ज हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ पी बाय एन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी बाय एन, ठीक है, यहाँ पर मैं रख दू पी बाय एन की जगह, तो कितना हो जाएगा, पी बाय एन कैंसिल, ये एन के ये वाले फॉर्म में ये है आपके पास पी बाय एन, ठीक है, साइन कितना हो जाएगा, पी बाय एन, तो आर थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, एन ए साइन पी बाय, अगर हमारे पास थीटा इक्वल टू जीरो हो जाए, अगर एंगल जो है मतलब ये हो गया एंगल ऑफ डिविएशन कितना हो जाए आपके पास जीरो हो जाए,
तो क्या हो जाएगा आपके पास, डेल्टा भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है, और पी भी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब इसके अंदर अगर हम लिमिट पुट करते हैं कि पी टेंड्स टू जैसे हमने देखा कि अगर एंगल थीटा इज इक्वल टू जीरो हो गया और डेल्टा इक्वल टू जीरो हो गया तो हमारे पास पी इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और उस कंडीशन में अगर पी टेंड्स टू, हमने लिमिट पढ़ी है स्कूल में, ठीक है, तो लिमिट पी टेंड्स टू जीरो तो साइन थीटा बाय थीटा हम पढ़ते थे इक्वल टू कितना होता था हमारे पास, वन। तो यहाँ पर भी हम लिखे तो ये कितना हो जाएगा, इस कंडीशन के अंदर हम ले तो यहाँ पर वैल्यूज कितनी हो जाएगी, साइन थीटा बाय थीटा इज इक्वल टू वन, तो आर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन ए। तो इसको हमने एन ए जो वैल्यू आई आ रही है उसको हमने क्या दिया, आर जीरो। तो आर थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, एन ए, ये हो गया आर जीरो साइन ऑफ पी बाय पी, ठीक है। अब हमने पढ़ा इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना होता है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर पढ़ा है हम लोग ने, पढ़ा है आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होना चाहिए, R थीटा का स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी का हमने साइन हटाया, एक कांस्टेंट लगाया है, ठीक है। इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटने से एक कांस्टेंट आया कि ये आपके पास अगर थीटा इज इक्वल टू जीरो हो जाए, जीरो डिग्री हो जाए, तो I जीरो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, के आर जीरो, ठीक है। और यहाँ पर ये जो आपके पास के आर जीरो था उसकी जगह पे हमने लिख दिया है I, ठीक है। तो इंटेंसिटी इज इक्वल टू I जीरो साइन ऑफ पी बाय पी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब जैसा हम वहां पर इंटरफेरेंस में निकालते थे कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड कंडीशन फॉर मिनिमा, इसी तरह से हम यहाँ पे भी निकालेंगे कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड कंडीशन फॉर मिनिमा। जब हम कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा निकालेंगे तो हम डिफरेंशिएट करेंगे इंटेंसिटी को विद रिस्पेक्ट टू पी एंड इट मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो अगर हम ये इक्वेशन देखें, हमारे पास ये इक्वेशन है आई इज इक्वल टू आई जीरो साइन ऑफ पी बाय पी का होल स्क्वायर, इसको मैंने डिफरेंशिएट किया है विद रिस्पेक्ट टू पी, ठीक है। तो अगर हम डिफरेंशिएट करें, ये बाहर आ गया, पावर नीचे, साइन पी बाय पी, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला फॉर्मूला लगा दिया, पी साइन थीटा का कॉस थीटा माइनस पी डी पी बाय डी पी इज इक्वल टू वन माइनस साइन पी अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब यहाँ पे आप जो या तो ये फंक्शन जीरो हो सकता है या फिर ये फंक्शन जीरो हो सकता है, ठीक है। तो साइन पी अपॉन पी अगर जीरो हो जाए, ठीक है, या पी कॉस पी माइनस साइन पी इक्वल टू जीरो हो जाए, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो साइन पी उस साइड चला गया, साइन अपॉन कॉस इज इक्वल टू टेन पी इज इक्वल टू पी, ठीक है। पर हमने ये पढ़ा हुआ है कि अगर साइन पी अपॉन पी इक्वल टू जीरो जाएगा तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी आपके पास, जीरो। दैट विल बी द कंडीशन फॉर मिनिमा, ठीक है। और अगर टेन पी इज इक्वल टू पी है, टेन पी इज इक्वल टू पी के बराबर आ रहा है, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर अगर हम देखें तो ये आप ग्राफ देख रहे हैं, ठीक है, tan p और p के बीच में। तो अगर हमने ये कंसीडर किया है p is y is equal to p, तो एक लीनियर इक्वेशन बन गई, ये आप देख रहे होंगे, एक लीनियर इक्वेशन बन गई, और y is equal to tan p, तो ये tan p का ग्राफ बन गया हमारे पास, ठीक है ना। तो अगर हम इसको देखें तो कर्व से हमें ये पता चलता है p tan p is equal to tan p is valid at p equal to zero। यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर आपके पास ग्राफ दिख रहा है आपको, ये एक लाइन ये हो गई है, एक ये हो गई है, ठीक है। अब अगर हम देखें तो क्लोज टू द पॉइंट पी, ये आपके पास पाई बाय, जैसे आपके पास पी इक्वल टू जीरो, ये नीचे जा रहा है, ठीक है, क्लोज टू पी इज इक्वल टू कितना है, थ्री पाई बाय टू, फाइव पाई बाय टू, ठीक है, इस तरह से। तो अगर हम देखें तो सेंट्रल मैक्सिमा एट पी इक्वल टू जीरो और सबसेंडरी मैक्सिमा जो आपको मिलेगा वो अलग अलग वैल्यूज पर अगर हम देखें तो सेंट्रल मैक्सिमा कितना हो गया आपके पास, पाई ए साइन थीटा बाय लैम्डा इक्वल टू जीरो, दूसरा हो गया थीटा इक्वल टू जीरो, अगर हम इसे लिखे तो थीटा इक्वल टू जीरो। तो इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, जितना आपका आई बराबर आई जीरो, मतलब कितना हो गया, सेंट्रल मैक्सिमा पर हमें क्या मिलेगा, सेंट्रल पे क्या मिलेगा, मैक्सिमम कंडीशन मतलब इंटेंसिटी ज्यादा मिलेगी, ठीक है। सबसेंडरी मैक्सिमा अगर हम देखें तो कंडीशन क्या थी, पी इज इक्वल टू टू एन प्लस वन फाइव बाय टू, ठीक है, या हमने इसको लिखा एम, तो एम की वैल्यू क्या होगी, वन टू थ्री से स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है, ये अगर हम ग्राफ देखें इंटेंसिटी का, या हम इसको देखें a sin थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, 2m प्लस 1 लैम्डा बाय 2, तो फर्स्ट सब्स्टिट्यूट मैक्सिमा का मिलेगा हमको 3 पाई बाय 2, ग्राफ पे हमने देखा हुआ है, इसको जरा हम सॉल्व कर ले तो इंटेंसिटी कितना आएगी, i0 बाय 22,
ठीक है, अगर आप देखोगे तो वैल्यू क्या हो गई, इंटेंसिटी की कम हो गई है, वहां पे कितनी थी सेंट्रल मैक्सिमम में आई इज इक्वल टू आई जीरो था, ठीक है। सेकेंडरी में आ जाए हम, सेकेंडरी सब्सिडियरी मैक्सिमा में, तो हमारे पास दूसरा पॉइंट क्या था, 5π/2। अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे आप ग्राफ से भी देख सकते हो, यहाँ पे आप देख रहे हो ये 5/2 दिख रहा है आपको, ये 3π/2, ये 5π/2 दिख रहा है आपके पास, ठीक है ना, और ये आपका ग्राफ का पोर्शन, ठीक है। तो इंटेंसिटी सेंट्रल मैक्सिमा पी इक्वल टू जीरो पर, आई इज इक्वल टू कितना था आई जीरो, पी इज इक्वल टू सेकेंडरी सब्सिडियरी मैक्सिमा में पी इज इक्वल टू 2m+1 π/2 × π, वेयर m इज इक्वल टू 1, 2, 3, ऐसे ले लिया, ठीक है। अगर हम इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ देखें तो वो कुछ इस तरीके से होगा, जो हमने पहले भी देखा हुआ था, स्टार्टिंग में हमने ड्रॉ करा है यहाँ पर a sin theta वर्सेस इंटेंसिटी। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सेंटर पे इंटेंसिटी ज्यादा हो रही है, और जैसे हम सेकेंडरी मैक्सिमा या मिनिमा के साइड जा रहे हैं तो आपकी इंटेंसिटी कम कम हो, ठीक है। अब हम देखते हैं कि एंगुलर सेपरेशन कैसा होगा इसके अंदर, फॉर अ फर्स्ट मैक्सिमा ऑन आइदर साइड ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है, इज कॉल्ड द एंगुलर विड्थ ऑफ अ प्रिंसिपल मैक्सिमा। मतलब क्या हुआ, द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन द फर्स्ट मैक्सिमा ऑन आइदर साइड, ठीक है, आइदर साइड मतलब दोनों साइड, सेंट्रल मैक्सिमा के दोनों साइड पर अगर हम देख रहे हैं एंगुलर सेपरेशन कितना हो रहा है, थीटा, ठीक है, वो कहलाता है आपका एंगुलर विड्थ ऑफ अ प्रिंसिपल मैक्सिमा। तो प्रिंसिपल मैक्सिमा की कंडीशन हमने पढ़ा था a sin थीटा इज इक्वल टू जीरो, एंड फर्स्ट मिनिमा की कंडीशन हमने पढ़ी थी प्लस माइनस लैम्डा, ठीक है। तो एंगुलर विड्थ ऑफ अ प्रिंसिपल मैक्सिमा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्लिट विड्थ, क्या होता है, एंगुलर विड्थ ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्लिट विड्थ, मतलब कितना हो गया, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें तो सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी ऑफ लाइट कितनी हो गई, प्लस माइनस पाई थी, ए साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा या प्लस माइनस लैम्डा। तो हाफ विड्थ अगर हम देख लें आधे पोर्शन पे, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स लैम्डा बाय ए, ठीक है। दूसरी कंडीशन थी आपके पास मिनिमा, ये आपने मैं देखा, मिनिमा की कंडीशन में हमने जैसे पढ़ा था कि साइन पी बाय पी इक्वल टू कितना होना चाहिए था आपके पास, जीरो होना चाहिए था, और पी इज इक्वल टू अगर हम देखें जीरो पे कब होगा, प्लस माइनस आपके पास एन पाई, एन पाई पढ़ा था, प्लस पाई एन की जगह 1, 2, 3 रखे तो पी की वैल्यू कितनी होगी, प्लस माइनस पाई 2π, 3π ऐसे करके एम पाई। तो पी इक्वल टू जीरो, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा है जब पी टेंड्स टू जीरो होता है तो साइन पी बाय पी कितना होता है, टेंड्स टू 1। तो पीछे वाले इक्वेशन से अगर हम ले लें तो यहाँ पर आपके पास था पाई ए साइन थीटा बाय लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस एम पाई, तो पाई टू पाई कैंसिल, तो ए साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया आपके, कंडीशन फॉर मिनिमा कितना हो गया, ए साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस एम लैम्डा, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमने इसको डिराइव किया था, यहाँ पर आपके पास ये कंडीशन थी कितनी थी, ठीक है, ये आपके पास मिनिमा की कंडीशन आ गई। मैक्सिमा की कंडीशन हमारे पास यहाँ से आई, सेंट्रल मैक्सिमा के लिए हमने देखा ग्राफ के अंदर कि टेन पी इज इक्वल टू पी, एक लीनियर ग्राफ बनाया हमने और टेन का ग्राफ बनाया, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जब ये पी जीरो हो रहा है तो इट शुड बी इनफाइनाइट, ये यहाँ पे एक लीनियर लाइन हो गई है, ठीक है। सेंट्रल मैक्सिमा पी इक्वल टू जीरो पर हमारे पास कंडीशन क्या थी, पाई ए साइन थीटा अपॉन लैम्डा इक्वल टू जीरो या थीटा इक्वल टू जीरो, तो इंटेंसिटी मैक्सिमम कितनी आ गई, आई इज इक्वल टू आई जी, क्लियर, ठीक है। और सब्सिडियरी मैक्सिमा के लिए हमने निकाल ली कंडीशन, तो यहाँ पर आप ग्राफ देख रहे होंगे तो ग्राफ से आपका कंक्लूड हम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज है यहाँ पर जो हम कर रहे हैं इसमें अंतर क्या आया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इंटरफेरेंस और डिफ्रेक्शन, जो हमने यहाँ पर निकाला कंडीशंस निकाल ली मैक्सिमा और मिनिमा के लिए, ठीक है, तो क्या कंक्लूजंस हमको निकलने को मिले मैक्सिमा और मिनिमा में, क्या पढ़ा था हमने वहां शुरू में, इंटरफेरेंस और डिफ्रेक्शन के बीच में क्या डिफरेंस पढ़ा था हमने, क्या डिफरेंस था, फ्रिंज विड्थ। अगर आपने देखा होगा तो आपने यहाँ पे डेरिवेशन में देखा होगा कि इंटेंसिटी जो है आपकी वो क्या हो रही थी, कम होती जा रही है ना, ठीक है। जो आप डिफ्रेक्शन पैटर्न देख रहे थे तो वी हैव सीन दैट इन अ डिफ्रेक्शन पैटर्न द इंटेंसिटी फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा एज वी मूव फ्रॉम द सेकेंडरी मैक्सिमा और मिनिमा द इंटेंसिटी विल गोज डाउन, और फ्रिंज विड्थ भी मैंने बताया था आपको कि फ्रिंज विड्थ भी क्या होती है, अनइक्वल होती है, ठीक है।
अगर हम यहाँ पे देखें तो किसी को कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं? कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, किसी को कुछ समझना है होशंगाबाद से? इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर डबल स्लिट लगा के भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी हमने सिंगल स्लिट के लिए सॉल्व किया है, इसी तरह से हम डबल स्लिट के लिए या एन स्लिट के लिए कर सकते हैं। ठीक है, एन स्लिट के लिए अगर हमने देखा होगा तो एन स्लिट के लिए हम यूज करते हैं, हमने एक तरीके से नाम दिया है ग्रेटिंग। ग्रेटिंग के अंदर हमने पढ़ा था ए प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, वेयर ए प्लस बी इज अ ग्रेटिंग एलिमेंट, हम स्कूल में पढ़ के आए थे, है ना। ठीक है, तो इसके अंदर हमारा कंक्लूजन क्या क्या निकले? इस डेरिवेशन से हमारा क्या कंक्लूजन निकला छिंदवाड़ा? डेरिवेशन से हमारा क्या कंक्लूजन निकला? डेरिवेशन से हमारा क्या कंक्लूजन निकला बेटा? यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या कंक्लूजन निकला होशंगाबाद खरगोन? व्हाट वी हैव कंक्लूडेड फ्रॉम दिस? ये रिजल्ट इन इंटेंसिटी से हमने क्या निकाला, आर से क्या निकाला? सिंपल डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी का फॉर्मूले में कुछ अंतर दिखा है आपको? इंटरफेरेंस में क्या फॉर्मूला यूज करते थे हम इंटेंसिटी का? व्हाट इज द फॉर्मूला व्हिच वी आर यूजिंग इन इंटरफेरेंस? इंटेंसिटी का कैसा फॉर्मूला था? यहाँ पे अगर हम डेरिवेशन से सॉल्व कर रहे हैं बेटा तो क्या निकला कंक्लूजन? वहां पे मिनिमा की कंडीशन इंटरफेरेंस में क्या होती थी और डिफ्रैक्शन में क्या है? अगर आप यहाँ पे ग्राफ पे देखोगे, ठीक है, तो आपने इंटरफेरेंस का पैटर्न में कैसा पढ़ा था पैटर्न? इंटेंसिटी, क्या कंक्लूजन निकलेगा हमारा? यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कौन सा एग्जांपल है? इस डेरिवेशन से हमने क्या क्या चीजें फाइंड आउट करी है? नीमच, हमने तीन चीजें यहाँ पे बेसिकली कंक्लूजन में अगर हम देखें तो हमारे पास एक तो हमने निकाला था इंटेंसिटी कैसे होगी। ठीक है, इंटेंसिटी का अगर आप देख रहे हो सिंगल स्लिट के लिए तो अगर आपने एक स्लिट निकाली तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या आया है आपके पास? यहाँ पर देखिए, आई इज इक्वल टू आई जीरो साइन ऑफ पी बाय पी स्क्वायर, ठीक है ना, ये आपका फॉर्मूला है इंटेंसिटी के लिए। ठीक है ना, आप उससे हमने निकाला है कंडीशन फॉर द मैक्सिमा एंड मिनिमा। जब भी हम कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा निकालेंगे तो वी हैव टू डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू पी। ठीक है, और यहाँ पर कंडीशन क्या है, चाहे मैक्सिमा हो, मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा हो, द डेरिवेटिव इट शुड बी इक्वल टू जीरो। एंड वी हैव सॉल्व दिस डेरिवेटिव एंड फाइंड आउट द वेरियस कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। द कंडीशन फॉर मिनिमा इज दैट द साइन पी अपॉन पी, आइदर साइन पी अपॉन पी विल बी जीरो और टेन पी इज इक्वल टू पी। ठीक है, तो इसको हमने जब सॉल्व किया तो अगर साइन पी इक्वल टू जीरो होगा तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी आपकी, ये वाला फैक्टर अगर जीरो हो जाए तो रिजल्टेंट कितनी इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, आई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, और अगर ये फैक्टर टेन पी बराबर पी हो जाएगा तो इसी को हमने यहाँ पर सॉल्व किया। ठीक है, यहाँ पर सॉल्व करने पर हमने ये दो ग्राफ प्लॉट किए थे, टेन पी जब एक कंपोनेंट हमने ले लिया वाई इज इक्वल टू पी जो की एक लीनियर लाइन थी, और ये ग्राफ ड्रॉ किया 10p, y इज इक्वल टू 10p। तो 10 का ग्राफ हमने पढ़ा हुआ है, स्कूल में पढ़ा है 10 का ग्राफ।
ठीक है, तो इस टैन के ग्राफ से अगर हम देखें तो इसमें से अगर हम इसे ड्रॉ किया है तो एट द क्लोज टू द पी, यहाँ पे आप देख रहे हो 3π/2 क्लोज टू द पी, ये 5π/2, इस वैल्यू पर हमें क्या मिलेगा, पी इक्वल टू जीरो पे हमें मिलेगा सेंट्रल मैक्सिमा, और सब्सिडरी मिनिमा हमको कहाँ मिल रहे हैं, दूसरी वैल्यू पे। तो अगर हम सेंट्रल मैक्सिमा की बात करें, जैसे मैंने आपसे कहा सेंट्रल मैक्सिमा वी आर ऑब्टेनिंग एट पी इक्वल टू जीरो, इट मीन्स दैट इज पाई साइन थीटा बाय लैम्डा इक्वल टू जीरो, तो लैम्डा कैन नॉट बी जीरो, तो थीटा इक्वल टू जीरो, तो इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी आपके पास, आई इज इक्वल टू आई जीरो, ठीक है। और सब्सिडरी मैक्सिमा मिलने की कंडीशन क्या थी आपके पास, पी इज इक्वल टू 2m+1 π/2, तो जहां पर m इज इक्वल टू 1, 2, 3, अगर आप यहाँ पे 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 3π/2, यही कहा था अपन, यहाँ पर अगर 2 रखेंगे आपके पास तो 5π/2, इस तरीके से हम इसको देखते हैं। तो ये जो इंटेंसिटी का ग्राफ बन रहा है a sin थीटा के साथ, वो हमारा कैसा आ रहा है, ये लैम्डा 2λ अगर हमने लिया है, तो इंटेंसिटी सेंट्रल पॉइंट पे आपकी इंटेंसिटी मैक्सिमम है, एज वी मूव फ्रॉम द सेंट्रल टू द सेकेंडरी मैक्सिमा और मिनिमा द इंटेंसिटी गोज डाउन, ठीक है। यहाँ पर हम देखें तो ये हमने कंडीशन निकाली थी, अगर आप यहाँ पे देख रहे होगे तो इंटेंसिटी क्या हो गई, I0/22, यहाँ पर आप देख रहे हो सेकेंडरी की इंटेंसिटी I0/62, तो इंटेंसिटी आप यहाँ पे इस रेशियो से देख सकते हैं कि इंटेंसिटी क्या हो रही है, कम होती जा रही है, ठीक है, क्लियर। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका इंटरफेरेंस और डिफ्रेक्शन के बीच में क्या क्या अंतर था, अशोक नगर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रेक्शन, देन इंटेंसिटी में फ्रिंज विड्थ में क्या अंतर था, कैन यू हियर मी, छिंदवाड़ा, इंटरफेरेंस और डिफ्रेक्शन के बीच में व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रेक्शन, व्हाट विल बी द फ्रिंज विड्थ, वी हैव ऑलरेडी सीन दैट इन इंटरफेरेंस पैटर्न द फ्रिंज विड्थ विल बी कितना होता था, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी बाय 2d, है ना, फ्रिंज विड्थ विल रिमेन द सेम, व्हाइल फॉर डिफ्रेक्शन पैटर्न द फ्रिंज विड्थ इज नॉट इक्वल, है ना, फ्रिंज विड्थ एक जैसी नहीं होगी और इंटेंसिटी भी क्या हो रही है आपकी, चेंज होती जा रही है, ठीक है ना। अगर आप इंटेंसिटी देखोगे तो यहाँ पर काफी चेंज है, आप देख रहे हो I1 इज इक्वल टू I0/22, I2 जो आया वो कितना आया, सेकेंडरी सब्सिडरी मैक्सिमा की इंटेंसिटी और कम होती जा रही है, हम और आगे जाए 7π/2 करेंगे तो और आपके पास चेंज होता जाएगा और कम कम होती जाएगी, ठीक है ना। तो और इसी तरह से हम निकालना चाहे सेपरेशन बिटवीन द एंगुलर वेव, तो वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, प्रिंसिपल मैक्सिमा के लिए a sin थीटा इज इक्वल टू 0, a क्या था आपका, a और b के बीच में स्लिट की विड्थ, ठीक है, इज इक्वल टू कितना, फर्स्ट मिनिमा के लिए हमारे पास कंडीशन थी प्लस माइनस लैम्डा, एंगुलर विड्थ निकालने के लिए हमने बोला एंगुलर विड्थ किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, स्लिट के विड्थ के, मतलब क्या हो गया, एंगुलर विड्थ अगर हमें बढ़ानी है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब क्या हुआ, a कम एंगुलर विड्थ ज्यादा, a ज्यादा एंगुलर विड्थ कम, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो सेंट्रल मैक्सिमा के लिए इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम p प्लस माइनस लैम्डा के बीच में, तो a sin थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, और या तो हम लिख सकते हैं a sin थीटा इज इक्वल टू लैम्डा टू a sin थीटा इज इक्वल टू माइनस लैम्डा, ठीक है। तो आपके पास सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ अगर हम यहाँ पे देखें तो आपने देखा होगा, ये दिख रहा है आपको, लैम्डा प्लस लैम्डा और माइनस लैम्डा, ठीक है, ये कंडीशन हमने निकाली थी कि a sin theta for a central maxima the intensity of light is distributed from a sin theta is equal to lambda to a sin theta is equal to minus lambda। तो अगर हम हाफ पोर्शन की बात कर रहे हैं, हाफ एंगुलर विड्थ की बात कर रहे हैं, तो कितना हो गया, a sin theta is equal to lambda ले ले, तो theta is equal to कितना हो जाएगा, sin inverse lambda by a। तो इस तरीके से हम theta को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है, हम इसी तरीके से इस डेरिवेशन को डबल स्लिट के लिए और एन स्लिट के लिए भी कर सकते हैं। एन स्लिट के लिए जब हम करते हैं तो क्या होगा आपके पास, ग्रेटिंग जो हमने पढ़ा था, है ना, जिसके अंदर ऑपेक और ट्रांसपेरेंट पार्ट होते हैं, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है बेटा, खरगोन, सो व्हाट वी हैव कंक्लूडेड फ्रॉम दिस डेरिवेशन देन,
नीमच, हैव यू गॉट द डेरिवेशन? डेरिवेशन समझ में आया है? अशोक नगर होशंगाबाद से? सो व्हाट इज द कंक्लूजन देन? मेन कंक्लूजन क्या हुआ? अगर आपसे कोई पूछे इंटरफेरेंस और डिफ्रेक्शन के बीच में क्या अंतर है, सिंगल स्लिट से इंटेंसिटी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है, इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, हमने इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या निकाला था? इमेज खंडवा, इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमने क्या निकाला? आई इज इक्वल टू आई जीरो साइन ऑफ क्या निकाला था? पी बाय पी। क्या फॉर्मूला निकाला था बेटा इंटेंसिटी का? आर इज इक्वल टू आई जीरो इंटू साइन पी अपॉन पी का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर राइट, ठीक है। सो अगर हम यहाँ पे देखिए तो इंटेंसिटी कैसे वेरी करी थी हमारी डिफ्रेक्शन में सिंगल स्लिट में? इंटेंसिटी कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी, कैसे वेरी कर रही थी? और साइन पी अपॉन पी इक्वल टू जीरो होगा तो इंटेंसिटी जीरो होगी और साइन मिनिमम होगी, और अगर टेन पी अपॉन इक्वल टू पी होगा तो मैक्सिमम होगी। मैक्सिमम होगी और उसको हमने ग्राफ से भी प्लॉट किया था, वेरी गुड, ठीक है। और क्या अंतर है इंटरफेरेंस और डिफ्रेक्शन में इंटेंसिटी में अगर हम बात करें तो क्या अंतर देखने को मिला हमको? इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता था इंटरफेरेंस के लिए बेटा? एक सिंपल स्कूल में पढ़ा हुआ फॉर्मूला भी याद हो तो बताएं, क्या पढ़ा था इंटेंसिटी का? क्या फॉर्मूला पढ़ा था बेटा? अपन ने स्कूल में भी पढ़ा है वो फॉर्मूला, अभी इंटरफेरेंस आप पढ़ भी चुके हो। क्या फॉर्मूला था? I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, है ना? I इज इक्वल टू ए वन प्लस ए टू का स्क्वायर, पढ़ा था जहाँ पे हमने ये पढ़ा था कि ए वन और ए टू का एम्पलीट्यूड लगभग सेम होना चाहिए, है ना? और डिस्ट्रक्टिव के लिए पढ़ा था हमने I इज इक्वल टू ए वन माइनस ए टू का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे इंटेंसिटी वेरिएशन कैसा हो रहा है सेंट्रल मैक्सिमा से? सेंट्रल मैक्सिमा पे मैक्सिमम हो रहा है, उसके बाद डिक्रीज होता जा रहा है सेकेंडरी मैक्सिमा और मिनिमा में हम जाते जा रहे हैं, तो इंटेंसिटी गोज डाउन, है ना? और जबकि इंटरफेरेंस में कैसा होता था? इक्वल, कोई डिक्रीज नहीं होती थी, कोई डिक्रीज नहीं होती, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखिए तो आपने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट सुना है, सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट सुना है ना? वो किसका एग्जाम्पल है, फ्रॉनहोफर का है कि फ्रेजनल का है? फ्रेजनल का है। फ्रेजनल का है कि फ्रॉनहोफर का है? फ्रॉनहोफर का है ना, क्यों? वहां पर आप अच्छा यूज करते हो क्या लेंस को, वहां पे जब आप प्रैक्टिकली करते हो तो लेंस का इस्तेमाल करते हो लैब में? चलो ठीक है ना, थैंक यू सो मच।